हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट प्लस। ये हमारे ऑडिटिंग की सीरीज़ चल रही है जिसका कि ये सेकंड चैप्टर है। मैं ऑडिटिंग के बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ इस चैनल पे, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी, काइंडली उसे देख लीजिए। इस वीडियो की आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुडेज़ वीडियो। इस सिंगल वीडियो में मैं इंटरनल चेक को डिटेल में डील करने वाली हूँ। इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होने वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट डू यू मीन बाई इंटरनल चेक? इंटरनल चेक इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द अकाउंट सिस्टम ऑफ अ बिजनेस कंसर्न और अ फैक्ट्री वेयर द ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट क्लर्क्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक्ड बाई अनदर एंड दस द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड और एरर और इरेगुलरिटी इज मिनिमाइज्ड अनलेस देयर इज कॉल्यूजन बिटवीन द क्लर्क्स। अब देखिए क्या कहता है कि ये एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है, ऐसा ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है जो कि बिजनेस में एग्जिस्ट करता है, वो फैक्ट्री में भी एग्जिस्ट करता है, किसी बिजनेस में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे क्लर्क्स को इस तरीके से अरेंज किया जाता है जहाँ पे एक पर्सन के काम को दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली चेक कर दे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कीजिए 10 लोग, 10 क्लर्क काम कर रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको ABCD हम नाम दे देते हैं। तो ए ने एक काम को किया, उस काम को आगे इनिशिएट किया बी के तरफ, बी ने उस काम को किया, अपने काम को किया और ए के काम को चेक भी किया। अब बी क्या करेगा, अपने काम के करने के बाद सी को वो काम ट्रांसफर करेगा, सी क्या करेगा, बी के किए गए काम को चेक करेगा और अपना काम करेगा और फर्दर उस काम को डी के तरफ बढ़ा देगा, डी फिर से वही काम करेगा, सी के किए गए काम को चेक करेगा और अपना काम करेगा। यानी कि कोई भी एक सिंगल क्लर्क पूरे काम को परफॉर्म नहीं करेगा, हर एक स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग वहाँ पे स्टाफ रहेगा, अलग अलग क्लर्क रहेगा। वो अपने काम को तो करेगा ही करेगा, साथ में प्रीवियस किए गए काम को चेक करेगा और आगे उस काम को बढ़ा देगा दूसरे क्लर्क के तरफ। तो इससे क्या होगा कि पिछले क्लर्क के किए गए काम को अगला क्लर्क चेक कर लेगा और पूरा का पूरा ये प्रोसेस अच्छे से चलता रहेगा, जिसकी वजह से जो फ्रॉड या एरर के होने की पॉसिबिलिटी जो होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में वो मिनिमाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर वो लोग चाहें तो कहीं ना कहीं आपस में गठबंधन बना करके आपके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्रॉड कर सकते हैं। अगर सारे के सारे क्लर्क मिले रहें तो फ्रॉड हो सकता है, लेकिन ऐसा ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि सारे के सारे क्लर्क आपस में मिले हो और एक बहुत बड़े फ्रॉड को अंजाम दे दें। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द रिसिप्ट ऑफ कैश इज एंटर्ड बाई द कैशियर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। अब देखिए एक जो क्लर्क है वो क्या करेगा, कैश बुक के द रिसिप्ट ऑफ कैश इज एंटर्ड बाई द कैशियर। अब रिसिप्ट जो कैश का होगा वो एंटर कौन करेगा, कैशियर करेगा कैश बुक के डेबिट हैंड साइड में, है ना। अब दिस एंट्री इज कैरिड टू द लेजर बाई अनदर क्लर्क। अब इसी एंट्री को अगला क्लर्क जो होगा वो लेजर में पुट करेगा। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट रिलेटिंग टू दिस ट्रांजेक्शन इज सेंड टू द कस्टमर बाई द थर्ड क्लर्क। अब जो स्टेटमेंट होगा इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड उसको क्लर्क, उसको कस्टमर के पास कौन भेजेगा, कोई तीसरा क्लर्क भेजेगा, है ना। तो इस तरीके से होता है ना कि एक क्लर्क एक काम को करेगा, फिर दूसरा क्लर्क उसके काम को करेगा, तीसरा क्लर्क तीसरे काम को करेगा और ऑटोमेटिकली तीनों जो क्लर्क है एक दूसरे के काम को चेक कर लेगा, क्योंकि एक प्रोसेस एक साइकिल की तरह ये चलता चला जा रहा है। इट इज अ काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दिस मिनिमाइजेज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर अनलेस ऑल द थ्री जॉइन हैंड्स इन डिफ्रॉडिंग देयर इम्प्लॉय। यानी कि ये पॉसिबिलिटी कम कर देता है फ्रॉड और एरर के होने का, तब तक जब तक कि अगर सारे के सारे क्लर्क एक साथ मिल करके इम्प्लॉयर के साथ फ्रॉड करने ना बैठ जाएं। तो अब भाई इतना बड़ा ब्लंडर ही होने के लिए होगा तो फिर क्या किया जा सकता है। सो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क। नो वन शुड बी अलाउड टू हैव द राइट टू परफॉर्म द वर्क फ्रॉम ओरिजिन टू एंड।
यानी कि किसी भी वर्कर को ये अलाउ नहीं होगा कि आप शुरू से लेकर के अंत तक सारे काम को करेंगे, यानी एक ही पर्सन सारे काम को परफॉर्म नहीं करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल मे बी हैव टू बी स्प्लिट इन टू अ डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल बाई स्टाफ। अब एक सेल ट्रांजेक्शन को अलग अलग भाग में बांट करके काम लेंगे। कैसे लेंगे कि अगर आर्टिकल को डिस्प्ले करना है उसके लिए एक अलग स्टाफ होगा, इनवॉइस प्रिपेयर करना है उसके लिए एक अलग स्टाफ होगा, रिसिप्ट देना है कैश का इनवॉइस के लिए तो उसका एक थर्ड क्लर्क होगा, है ना, डिलीवरी देनी है आर्टिकल की उसके लिए एक अलग क्लर्क होगा, डिलीवरी रिलेटेड मूवमेंट्स चेक करने के लिए अलग क्लर्क होगा। तो एक ही काम को अलग अलग हिस्से में सेक्शंस में बांट करके क्लर्क से काम कराना, ताकि ऑटोमेटिकली सारे स्टाफ जो हैं एक दूसरे के काम को अच्छे से चेक कर लें। इन बिग बिजनेस हाउसेज स्पेशलाइजेशन टास्क इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ वर्क एंड ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस इंटरनल चेक। अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में क्या होता है, ये तो देखने को मिलता है, ये स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क, यानी कि जो जिसमें मतलब स्पेशलाइज्ड है उनको वो टास्क दिया जाता है ताकि वो इफिशियंटली उस काम को करें, जिससे कि क्या होता है इंक्रीज हो जाता है आपका वर्क स्पीड, है ना, और ऑटोमेटिकली इंटरनल चेक वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि एक सिस्टम में आप चल रहे हो तो उस सिस्टम में जितने भी स्टाफ इन्वॉल्व होंगे वो सारे के सारे लोग एक दूसरे के काम को अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे और ये पहचान जाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट वन, प्रोविजन ऑफ चेक। An organization should set up such provisions so that work can be checked by another staff. An officer can check the work of one staff by transferring to the staff and again. अब देखिए, organization को कुछ इस तरीके का system बनाना होता है, ऐसा provision बनाना होता है ताकि एक staff के किए गए काम को दूसरा staff देख सके, है ना, और उसको चेक कर सके कि पिछले स्टाफ ने जो काम किया है, जो मेरे पास लाया गया है, वो सही है या नहीं, इसमें कोई एरर या कोई फ्रॉड तो नहीं देखने को मिल रहा है। उसके लिए आप एक ऑफिसर को भी नियुक्त कर सकते हैं जो कि इस तरीके के सिस्टम पे नजर रखेगा, उन पे कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट वन, दैट इज यूज ऑफ डिवाइसेस। अभी तो भाई मॉडर्न वर्ल्ड आ चुका है, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज भी हैं, है ना, तो बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आ चुके हैं जो कि टाइम को रिकॉर्ड करते हैं, वेस्ट डिटर्मिनेशन करते हैं, बहुत सारे मशीन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं इंटरनल चेक में। अब फोर्थ पॉइंट, दैट इज सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज सेल्फ बैलेंसिंग लेजर अकाउंट विच हेल्प टू मेक द वर्क ऑफ इंटरनल चेक ईजियर। इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड ऑन इट्स मैनेजमेंट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किस सिस्टम को ऑप्ट कर सकता है, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को ऑप्ट कर सकता है इंटरनल चेक को और ईजियर बनाने के लिए, है ना। तो अब ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या है, है ना, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम क्या है, यानी कि ईच लेजर इज मेंटेन्ड अंडर डबल एंट्री प्रिंसिपल। यानी कि जितने भी लेजर आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो किस प्रिंसिपल के तरफ बनाए जाएं, डबल एंट्री प्रिंसिपल के तहत बनाए जाएं। यानी कि इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए कि व्हेन गुड्स ऑफ रुपीज 1000 सोल्ड टू राम, देन राम्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ रुपीज 1000 इन सेल्स लेजर। अब भाई ऑब्वियसली बात है कि राम को बेचे गए 1000, तो वो कहाँ डेबिट होगा, 1000 सेल्स लेजर में, और गुड अकाउंट जो होगा वो क्रेडिटेड होगा 1000 इन जनरल लेजर। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि अपने आप जो पूरा का पूरा लेजर है वो अपने आप ही सेल्फ बैलेंस वे में चला जा रहा है, जिससे आपका क्या हो रहा है, खुद ब खुद इंटरनल चेक हो जा रहा है। अगर कहीं पर भी बैलेंस गड़बड़ाया तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं कोई एरर हो रहा है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, और आप सचेत हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, दैट इज जॉब रोटेशन। नो इंडिविजुअल क्लर्क शुड बी अलाउड टू ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर लॉन्ग। फैमिलियरिटी विथ एंड एक्सक्लूसिवनेस इन अ पोजिशन ऑफर अ पर्सन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू अटेम्प्ट मैनिपुलेशन विद द सिस्टम। जॉब रोटेशन यानी कि कोई भी इंडिविजुअल क्लर्क जो है वो एक पोजिशन पे ज्यादा लंबे समय तक काम नहीं करेगा, जॉब हमेशा रोटेट होते रहेगा। आज मिस्टर एक्स किसी काम को कर रहा है,
तो एक साल के बाद मिस्टर वाई उस पोजीशन पे होगा और वो उस काम को करेगा, मिस्टर एक्स किसी और पोजीशन पे रोटेट कर दिए जाएंगे, ये कहने का मतलब है। यानी कि ज्यादा दिन तक वो एक पोजीशन पे रहेंगे तो वो फैमिलियर हो जाएंगे और ये चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि वो लोग उस पोजीशन के लिए फैमिलियर हैं, किस तरीके से काम होता है वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उसको डिटेल में समझ चुके हैं, तो मैनिपुलेट करने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन, स्पेशलाइजेशन। एवरी स्टाफ मे नॉट हैव सच स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू मेंटेन अकाउंट्स प्रॉपरली, सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव द ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर स्किल सो दैट इंटरनल चेक कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। अब भाई ऑब्वियसली बात है, जॉब रोटेशन हो रहा है, जैसे जैसे ही वो लोग एक्सपर्ट होते हैं वैसे ही जॉब को आप रोटेट कर देते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि सारे लोग जिस काम को दिए जा रहा है वो उसमें स्पेशलाइज नहीं होते, उनको उतना प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, तो उसके लिए उनको अच्छा खासा ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि उनकी स्किल क्या हो, इंक्रीज हो, और इंटरनल चेक जो हो उस ऑर्गेनाइजेशन का वो काफी इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट वन, दैट इज कंट्रोल। देयर इज मोर चांस ऑफ फ्रॉड वेयर देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर और द पब्लिक, सो अ मैनेजर कैन कीप आईज इन दोज वर्क सो दैट द इंटरनल चेक सिस्टम कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। कंट्रोल, मैंने कहा था ना कि एक ऑफिसर होता है जो कि स्टाफ पे नजर रखता है कि वो अपने काम को इफेक्टिवली कर रहे हैं या नहीं। अगर ज्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा एक दूसरे में स्टाफ के बीच में, तो कहीं ना कहीं वहां पे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको एक मैनेजर अपॉइंट करना है जो कि बाकी स्टाफ पे नजर रखे ताकि आपका जो इंटरनल चेक सिस्टम है वो इफेक्टिवली चलता रहे। नेक्स्ट वन, दैट इज अथॉरिटी लेवल। There must be clear-cut authority levels according to sanctions to various transactions. Commensurate to the authority vested responsibility must be extracted. The existence of authority level result in a review of the operation of the subordinates. यानी कि authority level, यानी कि hierarchy way में लोग मौजूद होने चाहिए, है ना, clear-cut hierarchy होना चाहिए जो कि various transactions पे, various responsibilities पे उनका नजर रहे, वो रिव्यू करते रहे सारे चीजों को, अपने सबऑर्डिनेट के किए गए काम को। यानी कि वो अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देंगे, उनका सबऑर्डिनेट काम करेगा, वो उस पर नजर रखेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस, डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की वहां पे एस्टैब्लिश होना चाहिए ताकि सारे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो सही से हो सके और सही काम परफॉर्म हो सके अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो इंटरनल चेक है वो इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल चेक हम क्यों करते हैं? तो पहला, टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज। ऑब्वियसली बात है, पहले से हम देख रहे हैं कि एरर और फ्रॉड को मिनिमाइज करना है, जो भी इरेगुलरिटीज हैं उनको मिनिमाइज करना है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट द मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, कैश एंड गुड्स के मिसअप्रोप्रिएशन को रोकना है। टू एलोकेट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरी क्लर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ईच एंड एवरी क्लर्क को एंगेज करना है, सारे जो क्लर्क हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उन सभी को ड्यूटीज मिलती है, उन सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, और उन सभी को इफेक्टिवली उन ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होता है। टू इंश्योर एन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या होता है कि ये इंश्योर हो जाता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो रहे हैं। टू एनहेंस द एफिशियंसी ऑफ द क्लर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसके इंटरनल चेक से क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लर्क होते हैं उनकी एफिशियंसी बहुत अच्छे से चेक हो जाती है और उनकी एफिशियंसी इंक्रीज भी कर जाती है। टू एक्सरसाइज मोरल इन्फ्लुएंस ओवर द स्टाफ मेंबर, अब यहाँ पे मोरली वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें चेक हो रही हैं, सारे काम वेरीफाई किए जा रहे हैं, तो उनका जो मोरल होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है इस चीज़ से, काम को अच्छे से प्रोडक्टिव वे में करने के लिए। टू प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट विथ ईज एंड इफिशियंसी, अब क्योंकि आप सारे चीज़ों को इंटरनली हर दिन हर एक ट्रांजेक्शन पे अच्छे से चेक किए जा रहे हो, तो आपका जो फाइनल अकाउंट बनाने का प्रोसेस होगा वो काफ़ी ईजी हो जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट फाइनल अकाउंट बन करके सामने आएगा। अब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरनल चेक से रिलेटेड, वो प्रिंसिपल क्या हैं? एन इंटरनल चेक इज बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक प्रिंसिपल, है ना, अगर ये प्रिंसिपल नहीं है तो फिर इंटरनल चेक का कोई यूज ही नहीं है। वो प्रिंसिपल क्या है?
नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस शुड बी एलोकेटेड अमॉन्ग द स्टाफ ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट इन सच अ वे देयर इज नो रूम फॉर इंटरफेरेंस. यानी कि ये प्रोसेस, इंटरनल चेक का प्रोसेस इस तरीके से स्टाफ के बीच में एलोकेट किया जाए बिजनेस में, ताकि उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी राइट्स जो है वो उनको बिल्कुल भी क्लियर हो. ऐसा नहीं कि कोई एम्बिग्विटी हो, बिल्कुल क्लियर उनको पता हो कि उनकी ड्यूटीज क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, उनकी राइट्स क्या हैं, ताकि किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस ना हो. यानी एक क्लर्क के काम में दूसरे क्लर्क का कोई इंटरफेरेंस देखने को ना मिले. नेक्स्ट पॉइंट, नो सिंगल पर्सन शुड हैव इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर द ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस. यानी कि कोई एक सिंगल इंडिविजुअल कंप्लीट पूरे बिजनेस को, उस पर्टिकुलर काम को मतलब इंडिपेंडेंटली कंट्रोल नहीं करेगा, है ना. सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, सारे स्टाफ इन्वॉल्व होंगे, और हर लेवल पे अलग अलग स्टाफ इन्वॉल्व होगा, ना कि एक सिंगल पर्सन सारे काम को करेगा. नेक्स्ट, द ड्यूटीज अमॉन्ग द स्टाफ ऑफ द बिजनेस शुड बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट नो स्टाफ शुड बी एंगेज्ड इन अ पर्टिकुलर वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. यानी जॉब रोटेशन है, जॉब जो एक पर्टिकुलर जॉब पे कोई बंदा काम कर रहा है उसको कभी भी लंबे समय तक उसी काम पे आपको बिठा कर नहीं रखना, उसको अलग फिर दूसरे जगह एंगेज करना है, यानी उसके जॉब को रोटेट करना है. एवरी मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड बी एनकरेज टू गो ऑन लीव एट लीस्ट वंस इन अ ईयर. दिस विल हेल्प इन डिटेक्टिंग कंसील्ड फ्रॉड. जितने भी स्टाफ वर्क में इन्वॉल्व हैं उनको एनकरेज कीजिए कि वो साल में एक छुट्टी, अच्छी खासी छुट्टी लें, ताकि वो जो चेन है, जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है कि सारे स्टाफ मिल करके कोई बड़े फ्रॉड को अंजाम दे सकते हैं, तो वो एक चेन बन जाता है नंबर ऑफ स्टाफ का जो साथ में काम कर रहे हैं. तो अगर उस चेन की एक कड़ी को आप कुछ दिन के लिए छुट्टी दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पता लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से छुपा करके कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे. एक कड़ी अगर नहीं जुड़ेगी तो वो फ्रॉड कहीं ना कहीं सामने आ जाएगा. नेक्स्ट, एन इफिशियंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक शुड प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक चेकिंग ऑफ द वर्क ऑफ एन असिस्टेंट बाय अदर्स. यानी कि एक इफिशियंट सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक कैसे होगा कि एक वर्कर के काम को दूसरा वर्कर ऑटोमेटिकली चेक करेगा. ऐसा सिस्टम ही आपको करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि एक पर्सन के काम को दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली चेक कर ले. नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ वर्क शुड नॉट बी मच एक्सपेंसिव. अगर आप इस तरीके के सिस्टम को बना रहे हैं, इंटरनल चेक सिस्टम को बना रहे हैं, वर्क को डिवाइड कर रहे हैं क्लर्क के बीच में, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कर दो कि ऑर्गेनाइजेशन का बजट ही बिगड़ जाए, है ना. द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम शुड बी इनवेरिएबली यूज. यानी कि डबल एंट्री सिस्टम को आपको यूज करना है, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना है. The financial and administrative power should be assigned very judicially to different officials. अब जो भी official इसमें assign किए गए हैं internal check system में, जितने भी officials हैं उनको financial और administrative power जो है वो काफ़ी strong देना चाहिए, ताकि वो अपने according action ले सकें. A person having physical custody of assets must not be permitted to have access to the books of account. अगर किसी person के पास asset की physical custody है, यानी कि asset के रख रखाव से relation उसका है, तो उसका कभी भी books of account से लेना देना नहीं कराना है आपको. अब देखिए, internal check के कुछ advantages हैं. पहला advantage, moral influence on employee. The system of internal check puts a moral check on member of a staff and enable them to learn honesty, hard work and straightforwardness. यानी कि moral आप उनको उनके अंदर moral development आप करते हो. यानी कि जितने भी staff काम कर रहे हैं वो सभी के काम को दूसरे staff check कर रहे हैं, एक chain की तरह वो काम कर रहे हैं, तो उससे उनका moral boost होता है, वो honest होते हैं, hard work करना सीखते हैं, straightforward हो जाते हैं. Next one,
डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्लॉयज लाइबिलिटी, द सिस्टम ऑफ द इंटरनल चेक डिटरमाइंस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लॉयज, द मेंबर ऑफ द स्टाफ मे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इरेगुलरिटीज कैरिड ऑन बाय हिम। भाई यहाँ पे तो हमने पहले ही देखा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर किया जा रहा है, यानी कि जब आप किसी काम को कर रहे हो तो उसमें अगर किसी तरह की इरेगुलरिटी देखने को मिल रही है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी इम्प्लॉय अपने काम की लाइबिलिटी खुद लेगा, जो काम कर रहा है उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना। ये चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड अंडर द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक बिकॉज एरर्स एंड फ्रॉड कैन बी डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज। यहाँ पे क्योंकि सिस्टम पूरा एक सिस्टम के तरीके से काम कर रहे हो आप लोग, एक दूसरे की गलती को चेक करते जा रहे हो, बिल्कुल एक एक ट्रांजेक्शन्स में चेकिंग की जा रही है इंटरनली, तो इससे क्या हो जाता है, फ्रॉड या एरर होने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं, है ना। और अगर हो भी रहे हैं कहीं पे तो वो अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इंश्योर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड स्पीड बिकॉज द अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल चेक इज बेस्ड ऑन अ डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि आप इंटरनल चेक कर रहे हो तो वहां पे जितने भी काम हैं वो स्पेशलाइज्ड वर्कर को असाइन किए जा रहे हैं, कोई भी एक बंदा सारे काम को नहीं कर रहा, कोई डिले नहीं हो रहा और बिल्कुल इफिशियंटली काम हो रहा है, पिछले वाले के काम को अगला वाला चेक कर रहा है और अपना 100% दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ऐसा सिस्टम आप ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो आपकी एफिशियंसी इंक्रीज करेगी ही करेगी। नेक्स्ट है, ऑडिटिंग मेड ईजी, द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फैसिलिटेट्स द वर्क ऑफ ऑडिटर टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय एनेबलिंग हिम टू रिले ऑन टेस्ट चेकिंग। अब देखिए, हमने जब ऑडिटिंग का मतलब समझा था तो वहां पे मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था कि जो ऑडिटर होता है वो कभी कभी टेस्ट चेकिंग को भी अडेप्ट करता है। कब करता है, जब उसको ये पता होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इफेक्टिव है। अगर उसको ऐसा पता होता है और वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसका इंटरनल चेक बहुत इफेक्टिव है, तो जो ऑडिटर वहां पे आता है फाइनल ऑडिट के लिए वो टेस्ट चेकिंग के थ्रू जाता है, यानी कि जो उसने काम किया गया उसको बस टेस्ट करता है, ज्यादा उसमें डेप्थ में जा करके उसकी चेकिंग नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक बहुत अच्छा है, लोग बहुत ऑनेस्ट हैं और लॉयल हैं। ठीक है, अगर ऐसा है, उसको पता है, तो वो टेस्ट चेकिंग के तरफ जा सकता है, तो ऑडिटर को भी काफी ईजी हो जाता है और ऑडिटिंग का प्रोसेस भी जो है वो भी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है, फाइनल अकाउंट्स कैन बी prepared in an internal check system, the profit and loss and balance sheet is prepared without any loss of time. अब क्योंकि सारे transactions जो हैं वो check किए जा रहे हैं, तो profit and loss account या balance sheet जो भी final accounts होंगे वो बिल्कुल time पे prepare हो जाएंगे, जिससे कि shareholders को काफी आसानी हो जाएगी। Correct and complete record of all the transactions, the system of an internal check may also result in correct and complete record of all the transactions on each balancing of the books of account. यानी कि जो भी आपको transactions आप कर रहे हो, internal check से आपको क्या help मिलेगा कि सारे transactions बिल्कुल accurate रहेंगे, correct रहेंगे और जो भी record बनाए जाएंगे वो बिल्कुल complete तौर पे होंगे, कुछ भी imbalance नहीं होगा। Next, detection of dishonesty or irregularity. Any dishonesty or irregularity in the concern by the members of staff can be detected before they assume any complications. यहाँ पे क्योंकि एक person दूसरे person के काम को check कर रहा है, बिल्कुल एक system के तरह work कर रहा है, तो अगर कोई भी dishonest हुआ, कहीं पे भी किसी person ने irregularity दिखाई, तो वो बहुत early stage में ही detect कर लिया जाएगा, ताकि कोई बड़ा चीज अनहोनी ना हो organization में, किसी बुरे तरीके का fraud ना हो। Next है, टेस्ट चेकिंग पॉसिबल, सपोज द ऑडिटर फाइंड्स द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक सेटिस्फैक्ट्री, देन बाई टेकिंग इन टू माइंड इट डिफेक्ट और वीक पॉइंट ही कैन टेक द हेल्प ऑफ टेस्ट चेकिंग। अब देखिए, अगर यहाँ पे टेस्ट चेकिंग पॉसिबल है, मैंने पिछले पॉइंट में ही बताया था कि अगर ऑडिटर को ये फील होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक बहुत अच्छा है, उसको ये बहुत अच्छे से पता है, मार्केट में ये चीज़ बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेक बहुत अच्छा है, तो वो आराम से टेस्ट चेकिंग के तरफ मूव
कर सकता है, उससे ऑडिटिंग का ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ऑडिटर को काफी ईज हो जाता है। अब देखिए इंटरनल चेक के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहला तो भाई एक्सपेंसिव है, क्योंकि इतना मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि इतने सारे लोग एक ही काम को करने में लगे रहेंगे तो काफ़ी खर्चा बढ़ेगा। नेक्स्ट वन दैट इज स्लैकनेस इन द वर्क, दिस इज ऑल्सो अ सीरियस डिफेक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। द ऑडिटर मे सो स्लैकनेस एट वर्क, ही मे रिलाई ऑन द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक ब्लाइंड फोल्ड विच मे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क एडवर्सली। अगर ऑडिटर को ये पता चल गया कि भाई यहाँ का इंटरनल चेक बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत रेपो है इसके इंटरनल चेक का, तो वो क्या करेगा, वो बहुत मतलब ईजली बहुत केयरफ्री हो जाएगा कामों को करने में और ब्लाइंडली रिलाई कर जाएगा उनके रिपोर्ट को कि हाँ जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेरे सामने प्रेजेंट किए गए हैं वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, वो अपना ज़्यादा एफर्ट उस पर नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न, द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न एज इट मे बी अनइकोनॉमिकल इन स्मॉल कंसर्न, क्योंकि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है तो स्मॉल कंसर्न वाले इतना एफर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ग्रुपिंग अमॉन्ग इम्प्लॉयज, इफ द इम्प्लॉयज ऑफ द कंसर्न जॉइन हैंड दे मे कीप द एम्प्लॉयर इन द डार्क एंड मे कॉज मेनी इरेगुलरिटीज डिफाइंग एनी डिटेक्शन देयर ऑफ दिस ग्रुपिज्म अमॉन्ग द एम्प्लॉय मे नॉट बी हेल्दी। यानी कि मैंने पहले बताया था कि अगर 10 लोग हैं, अगर सारे के सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल लिए तो बहुत बड़े फ्रॉड को अंजाम भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको और किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं इस चैनल पे इसी तरीके से कॉमर्स और मैनेजमेंट के वीडियो डेली लाती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको पता चले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।